दियागियों के सिरमौर है, साधारण बात थोड़ी मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और आगे कही शंभो अधिकार पाई। ऋषि ने क्या मांगा? कुंभज ऋषि ने उनसे मांगा हरि भक्ति, मांगा हरि भक्ति, भगवान की भक्ति उन्होंने मांगी। जब भी किसी से मांगिए तो यही मांग लीजिए कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, बस यही आशीर्वाद दीजिए। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये तो हरि भक्ति करने वालों में शिरोमणि है शिव जी, तो हरि भक्ति तो उनके हृदय में है। तो शिव जी के पास जो हरि भक्ति है, वो हरि भक्ति को उन्होंने मांगा और शिव जी ने बड़े आनंद से उनको हरि भक्ति प्रदान किया अधिकारी जान करके। बोली शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ तो दानी है, हरि भक्ति दान कर गए। काज सवारे भोले, काज सवारे काज सवारे भोले, भगतन के हो भोले रखवारे मतवारे रखवारे। बम बम भोले शंकर है गले में राग बहता है, कि दम ढक ढक रो वाले, कि दम ढक ढक रो वाले। काज सवारे भोले, भगतन के हो भोले मतवारे रखवारे मतवारे। बम 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 भोले शंकर है गले को तुम्हें कब रख दिया है।
उन्होंने तेरा पीछा किया है, भोले उन्होंने तेरा पीछा किया है, भस्मासुर को तूने कम कर दिया है, भस्मासुर को तूने भोले उन्होंने तेरा पीछा किया है, भोले उन्होंने तेरा पीछा किया बस बासुर को तूने नाच नचाया मेरे मतवारे मतवारे बबम बम भोले शुक्र भोले शंकर बाबा भोलेनाथ कुछ समय वही कुंभज जी महाराज के पास रहे, उन्होंने कथा कही भी कथा सुनाई भी, दक्षिणा में उन्होंने हरि भक्ति दान किया और दक्षिणा दे करके अब मुनि संग विदा मांगे तिवारी भगवान भोलेनाथ ने कुंभज जी से विदा मांगी और विदा मांग करके अपने कैलाश की ओर निकल पड़े। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, कैलाश पर्वत उनका भवन है, उस ओर जा रहे हैं। कहीं विधि दर्शन होए, बाबा भोलेनाथ के मन में आया कि भगवान की कथा तो मैंने सुन ली, अब भगवान के दर्शन करने की मुझे इच्छा हो रही है। और वाकई में हम सभी यहाँ कथा सुन रहे हैं, जब कथा सुनते हैं भगवान के दिव्य चरित्रों का अवगम होता है हृदय में, है ना, तब हमें इच्छा होती है कि भगवान के हम दर्शन कर लेते हैं। होती है कि नहीं होती है आप लोगों को? भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है ना? हाँ, आप लोगों को होती है? हाँ, तो कथा वो माध्यम है जी, कथा क्यों सुनना चाहिए? इसीलिए क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, अनुराग हो जाता है, भगवान के दर्शन की इच्छा होने लगती है। और भगवान के दर्शन की इच्छा हुई शुद्ध मन से, जैसे आप इच्छा करेंगे तो भगवान त्वरित दर्शन देते हैं। कई विधि दर्शन हो, बाबा भोलेनाथ मन ही मन विचार रहे हैं। उसी समय की बात है, त्रेता युग की ये घटना है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है और पिताजी का वचन है, वनवास उनको हो गया है। लखनलाल जानकी मैया साथ में है, वनवासी हो गए। और जान रहे हैं आप, सीता मैया का हरण रावण ने कर लिया, व्याकुल हो गए भगवान। और व्याकुल होकर के वट वृक्ष
केर के वृक्ष, सागवान के वृक्ष, जितने वहां वृक्ष, जितने लता पता है, पशु पक्षी हैं, उन सब से रोते हुए आंसू बहाते हुए पूछ रहे हैं, आप लोगों ने सीता जी को देखा है क्या? मेरी सीता जी कहीं चली गई, कहीं खो गई है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पशु पक्षियों से पूछने लगे, बेजुबान प्राणियों से पूछने लगे, व्याकुल। उसी समय बाबा भोलेनाथ शंभु समय तेरा समय तेरा